हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सूजी की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये सूजी की बर्फ़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल कम सामान में, कम मेहनत में और कम खर्चे में एकदम बाजार जैसी बर्फ़ी, वो भी केवल घर में परे सामानों से, वो भी मिनटों में, बिना झंझट और बिना मेहनत के, सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए सूजी की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी की चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन या कढ़ाई को गैस पर बैठाकर गैस ऑन कर देंगे। फिर इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और चीनी को चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस एक तार की चाशनी होनी चाहिए। तो अब हमारी चाशनी, एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसे गैस पर से नीचे उतार कर रख देंगे। फिर एक दूसरा कढ़ाई गैस पर बैठा देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, तो हम इसमें 100 ग्राम घी डालेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। और हमारा घी गर्म हो गया है, तो हम इसमें 250 ग्राम सूजी डालेंगे और सूजी को डालकर हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे। सूजी को ज़्यादा नहीं सेकना है, सूजी ज़्यादा सेकेंगे तो सूजी का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सूजी ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो हमारा स्वीट्स देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सूजी को ज़्यादा न सेक। और सूजी को सेकते समय गैस को लो टू मीडियम रखें। गैस तेज रहेगा तो हमारा सूजी जल सकता है और सूजी का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो चलिए, हमारा सूजी सेक चुका है तो हम गैस को बंद कर देंगे। और बर्फी में मावा वाले स्वाद लाने के लिए इसमें 50 ग्राम मिल्क पाउडर डालेंगे। बर्फी में मिल्क पाउडर डालने से बर्फी का स्वाद बिल्कुल मावा वाली बर्फी जैसा लगता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 50 ग्राम नारियल पाउडर डालेंगे। नारियल का पाउडर डालने से बर्फी का स्वाद बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। बिना मिल्क पाउडर और बिना नारियल पाउडर के भी सूजी के बर्फी बहुत अच्छे बनते हैं। और हम इसमें चाशनी डालेंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सूजी में मिलाते जाएंगे। एक ही बार में चाशनी को नहीं डालना है, अगर सूजी में चाशनी को एक ही बार में डाल देंगे तो सूजी में लम्स आ जाएंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और सूजी को लगातार चलाते रहें। और ये देखिए, मैंने सूजी को चाशनी में डाल दिया है और हमारा सूजी और चाशनी पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि सूजी अच्छी तरह से पक कर तैयार न हो जाए और सूजी कढ़ाई को छूने लगे। और तैयार हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम मिक्स को थोड़ा सा लेकर देख लेंगे। इस तरह से ये देखिए, मिक्स सॉलिड हो गया है, इसका बॉल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मिक्स बनकर तैयार हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस पर से नीचे उतार लेंगे और एक प्लेट लेंगे और प्लेट में घी से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से प्लेट में घी लगा लेंगे और इसमें मिक्स को प्लेट में डाल देंगे और अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। और इसके ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, आपको खाने में जो अच्छा लगता हो। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बर्फी बन जाएंगे और अच्छे लगेंगे। बस ड्राई फ्रूट्स डालने से मार्केट वाला लुक आता है और देखने में अच्छा लगता है, मार्केट जैसा, और कुछ नहीं। ड्राई फ्रूट्स को डालकर थोड़ा चिपका देंगे और ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से बराबर कर लिया है। तो अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और ये अपने आप जमकर सेट हो जाएगा, इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, मैंने इसे जमने के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए, मेरी बर्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है, अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो हम इसको बर्फ़ी के शेप में कट कर लेंगे और ये देखिए, हमारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया दिख रही है और ये कितनी आसानी से कट रही है और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। एकदम मार्केट वाली लग रही है हमारी बर्फ़ी, और खाने में तो मार्केट की बर्फ़ी से कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। इसका टेक्सचर तो देखिए, क्या ये बर्फ़ी देखकर कोई बोल सकता है कि घर का बनाया हुआ बर्फ़ी है? तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए
तो आज की हमारी सूजी की बर्फी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम और नई रेसिपी मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।